नमस्कार दोस्तों, MH स्कूल टीचर इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स जो रिफंड का स्टेटस है, यानी अपना इनकम टैक्स का रिफंड अपने खाते पे जमा हुआ है या नहीं, या फिर उसका स्टेटस आज क्या है, यह जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आपको एक मेरा MH स्कूल टीचर जो चैनल है वह खुलने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे दबाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स का रिफंड उसका स्टेटस कैसे जानना। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर एक वेब एड्रेस टाइप करना है, incometaxrefunds.in। यह वेब एड्रेस आपको सर्च बार में टाइप करना है। उसके बाद जो पेज खुलेगा वह आपको स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। तो उस पे दो ऑप्शन है, रिफंड स्टेटस जानना है एक पैन कार्ड के सहायता से, और दूसरा है एक्नॉलेजमेंट के नंबर से। तो मैं पैन कार्ड की सहायता से अपना रिफंड स्टेटस कैसे जानना है ये आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप पैन कार्ड के सहायता पर ओके करोगे, नया पेज खुलेगा और उसके नीचे स्क्रॉलिंग करने के बाद चेक रिफंड स्टेटस पे ओके करना है। तो यह पेज खुलने के बाद आपको दो बातें करनी है, एक अपना पैन कार्ड नंबर वहाँ पे दर्ज करना है। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर वहाँ पे लिखता हूँ, और पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे अपना स्टेटस यानी साल, असेसमेंट ईयर, किस साल का स्टेटस आपको देखना है वह साल चुनना है। और दोनों ही लिखने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड रहता है, कुछ कैपिटल लेटर्स रहते हैं और अंक रहते हैं, वह दर्ज करने हैं और नीचे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो यह मेरा जो है वह नॉट सेंड बता रहा है कि मेरा जो रिफंड है वह सेंड नहीं हुआ है अभी तक। अगर आपका या किसी का सेंड हो गया है तो वह स्टेटस ऐसे बताएगा, ऊपर उसकी पूरी जानकारी बताई जाती है कि रिफंड कब जमा किया है, उसकी तारीख वहाँ दी जाती है, और कैसे किया है, बैंक में किया है या कैसे किया है, यह सब वह ऊपर बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे जानते हैं यह वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरा MH स्कूल टीचर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।